इमरान खान के बयान के हवाले से, ये प्राइम मिनिस्टर ढूंढ के कहां से लाए यार, मतलब अलादीन का चिराग रगड़े तो ना मिले ऐसा प्राइम मिनिस्टर। अगर आप चाहें तो ये आप लोगों को मिल सकता है, आप हमें कश्मीर भी दे दे तो भी ना ले हम। यही प्राइम मिनिस्टर तो, आपका यूएन में जाकर के मान के आता है कि हम टेररिस्ट भेजते थे, जो कि पाकिस्तान इतने साल से छुपा रहा था कि हम टेररिस्ट भेजते थे कश्मीर में। इंडिया जो है ना वो मंत्रा बोलता है टेररिज्म का, इंडिया कहता है कि हम टेररिज्म का शिकार है, इंडिया कहां से टेररिज्म का शिकार है। यही प्राइम मिनिस्टर आपका बोल मान रहा है कि हमने जो जिहाद किया था वो सारा पैसे के लिए था। अभी खान साहब के वाले से इन्होंने फॉरन लिस्ट गिनवा दी। लिस्ट मैं गिनवाना चाहूं तो मोदी साहब को बैन किया गया था गुजरात मासाकर की वजह से, अमेरिका में बैन थे, ट्रेवल नहीं कर सकते थे। मोदी पे इन्होंने बोला बैन लगा दिया था। भाई मोदी को उसी अमेरिका ने, अमेरिका छोड़ दीजिए, आपके सऊदी अरेबिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। अब आप बोल दीजिए सऊदी अरेबिया काफिर है, नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, सऊदी अरेबिया आपको पटक के मारेगा। अभी उसके बाद फार्मर्स के प्रोटेस्ट के ऊपर मोदी साहब ने क्या किया, तो मोदी साहब की अगर मैं दास्ताने गिनवाना बैठूं तो मेरा ख्याल है कि वो जो डिक्शनरीज थी बड़ी बड़ी वो भी खत्म हो जाए। आपके बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अमेरिका हुआ करता था, वो तो दोस्त नहीं है, सऊदी अरेबिया भी दोस्त नहीं रह गया, ठीक है। उसके पास आप अब वो अब मालिक और नौकर वाला रिश्ता है, मालिक वो है पैसा देता है, आप नौकर हैं। बोलकर दिखा दीजिए हम भी देख लेते हैं। यूएई काफिर है, जिसके पास आप गए थे, इनसे एक एक बिलियन डॉलर लेने के लिए दरवाजे पर खड़े रहते हैं आपको मतलब जिसे बोलते हैं ना कूड़े की टोकरी, उसमें डाल दिया था। देखें आपने जब हमने आपका प्लेन गिरा दिया, आपका पायलट पकड़ लिया, तो आपने पाकिस्तान का F-16 की वो माचिस की डिबिया दिखा दी यार, ये दिस इज नॉट द वे। आप भी को प्लेन दिखाते उसकी, उसका कोई दिखाते गिरा पड़ा, हमारा भी को पायलट दिखा देते। हॉस्पिटल में एक आदमी मर गया, उसकी डेथ की रिपोर्ट दे दी, वो कौन था, क्यों छुपा रहे हैं कि आपका अपना F-16 का पायलट था, क्यों छुपा रहे हैं दुनिया से? आपका आपका प्रेसिडेंट मर जाए आपने खुद मारा होगा, आप तो वैसे ही मारते थे, बेनजीर भुट्टो को भी मार दिया आपने। रोहित भाई एक तो ये मुझे बता दें कि जिस तरीके से बात हो रही है इमरान खान के बयान के हवाले से, इमरान खान ने वो काम आसान कर दिया कि हम लोग किस लिए ये सारा कुछ करते रहे हैं, जिहाद के नाम पे हुआ सारा कुछ, किस नजर से देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को इमरान खान साहब? पहली चीज तो मैं आप लोगों से आपको डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलना चाहूंगा। ये बताइए कि आप लोग ये प्राइम मिनिस्टर ढूंढ के, ये प्राइम मिनिस्टर ढूंढ के कहां से लाए यार, मतलब अलादीन का चिराग रगड़े तो ना मिले ऐसा प्राइम मिनिस्टर कहां से, मतलब बड़ा कैसे? स्पेशल है भाई, भाई अगर 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 आप चाहें तो ये आप लोगों को मिल सकता है, यकीन करिए हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन ना ना ना, लेकिन आप लोग फिर हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाएंगे, मैं ये पहले से आपको बता दूं। आप हमें कश्मीर भी दे दे तो भी ना ले हम। आप इमरान खान किसी को भी दीजिए, वर्ल्ड के किसी कंट्री को, सब आपको वापस दे देंगे, पैसा दे देंगे, $1 billion देंगे, मत देना। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यही प्राइम मिनिस्टर आपका यूएन में जाकर के मान के आता है कि हम टेररिस्ट भेजते थे, जो कि पाकिस्तान इतने साल से छुपा रहा था कि हम टेररिस्ट भेजते थे कश्मीर में। यही प्राइम मिनिस्टर आपका बोल मान रहा है कि हमने जो जिहाद किया था वो सारा पैसे के लिए था। ये जो आप जिहाद का नारा आप लगा रहे हैं, और ये जो आपने इतने सारे मदरसे खोले हुए हैं, ये क्या डॉलर्स के लिए है, पैसे के लिए है? कितना बढ़िया, बीइंग एन इंडियन तो मैं तो बड़ा खुश हूं, बट पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से इन्होंने पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिसी और पिछले 30 साल में पाकिस्तान ने क्या किया उस सबको क्रैश कर दिया है। बिल्कुल रोहित भाई आपकी बात सही है कि खान साहब का मसला क्या है, क्यों मतलब, या तो ये कि बहुत ज्यादा सच बोलने लग गए खान साहब अभी, मतलब हुकूमत उनकी आखिरी मतलब साल या डेढ़ साल रह गया, वजूहात क्या है? आज आपके मुंह से एक छोटा सा लफ्ज निकलता है ना तो उस बात का बतंगड़ बना देता है मीडिया। इंडिया जो है ना वो मंत्रा बोलता है टेररिज्म का, इंडिया कहता है कि हम टेररिज्म का शिकार है, इंडिया कहां से टेररिज्म का शिकार है, तो वो मंत्रा वो बड़ी जेन्युइन रीजन इंडिया के पार्ट पे वो इंडियंस ये कर रहे हैं। दूसरी बात ये, अभी खान साहब के हवाले से इन्होंने फॉरन लिस्ट गिनवा दी। लिस्ट मैं गिनवाना चाहूं तो मोदी साहब को बैन किया गया था गुजरात मासाकर की वजह से, अमेरिका में बैन थे, ट्रेवल नहीं कर सकते थे। बाद में जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए तो बैन हटा दिया जाता है। मोदी पे इन्होंने बोला बैन लगा दिया था। भाई मोदी को उसी अमेरिका ने, अमेरिका छोड़ दीजिए, आपके सऊदी अरेबिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। अब आप बोल दीजिए सऊदी अरेबिया काफिर है, नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, सऊदी अरेबिया आपको पटक के मारेगा। बोलकर दिखा दीजिए हम भी देख लेते हैं। यूएई काफिर है, जिसके पास आप गए थे, इनसे एक एक बिलियन डॉलर लेने के लिए दरवाजे पर खड़े रहते हैं आप, और आप उनको काफिर बोल नहीं सकते, हमें बोल रहे हैं। मोदी को इन्होंने ही अपने घर बुलाया। उसके बाद इनके अपने राहुल गांधी साहब कहते हैं
कि इतना रेप होता है पूरे इंडिया में, मेड इन इंडिया फॉर ब्रांड को भूल जाए, रेप इन इंडिया याद रखें। इन्होंने बोला राहुल गांधी रेप के लिए बोलते हैं इंडिया में। राहुल गांधी ऑपोजिशन में है, ऑपोजिशन के लीडर है इस समय। आपके प्रेसिडेंट कुर्सी पे बैठे हुए प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ ने मुख्तार माई पे क्या स्टेटमेंट दिया था, दैट इफ यू वांट टू गो अब्रॉड गेट योरसेल्फ रेप एंड गो अब्रॉड। वाह क्या मॉरल्स हैं और क्या प्रेसिडेंट हैं, आपके मॉरल्स हैं, हमारे नहीं है ये, हमें इन मॉरल्स की जरूरत नहीं है। अभी उसके बाद फार्मर्स के प्रोटेस्ट के ऊपर मोदी साहब ने क्या किया, तो मोदी साहब की अगर मैं दास्ताने गिनवाना बैठूं तो मेरा ख्याल है कि वो जो डिक्शनरीज थी बड़ी बड़ी वो भी खत्म हो जाए। अब बाकी जहां तक इन्होंने बोला इंडिया मीडिया की वजह से डोमिनेट करता है, तो क्या सऊदी अरेबिया इंडियन मीडिया से चलता है? यूएई जो कि हमारे कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट? वो पांच कंट्रीज जो आपके ओआईसी की समिट में नहीं पहुंचे, उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में बैठे थे। अरे मतलब ये आप कुछ भी बोलते जाएंगे विदाउट एनी प्रूफ, राइट? आपके साथ कौन है, आपके बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अमेरिका हुआ करता था, वो तो दोस्त नहीं है, सऊदी अरेबिया भी दोस्त नहीं रह गया, ठीक है? उसके पास आप अब वो अब मालिक और नौकर वाला रिश्ता है, मालिक वो है पैसा देता है, आप नौकर हैं। आपको मतलब जिसे बोलते हैं ना कूड़े की टोकरी, उसमें डाल दिया था। चाहे वो आपका अगर दिल को सुकून मिलता है ना मालिक नौकर का रिलेशन, चाहे वो आप अपने दिल को सुकून देते रहे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान स्टेड रेलेवेंट, पाकिस्तान इज रेलेवेंट, पाकिस्तान विल रिमेन रेलेवेंट। तो बोलिए हमें क्या, सच तो ये है अफगानिस्तान की जंग डॉलर के लिए लड़ी गई थी, आपने खुद बोला वो आपकी जंग नहीं थी, तो इसका मतलब क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना थे आप? देखें आपने जब हमने आपका प्लेन गिरा दिया, आपका पायलट पकड़ लिया, तो आपने पाकिस्तान का F-16 की वो माचिस की डिबिया दिखा दी यार, ये दिस इज नॉट द वे। आप भी को प्लेन दिखाते उसकी, उसका कोई दिखाते गिरा पड़ा, हमारा भी को पायलट दिखा देते। हॉस्पिटल में एक आदमी मर गया, उसकी डेथ की रिपोर्ट दे दी, वो कौन था, क्यों छुपा रहे हैं कि आपका अपना F-16 का पायलट था, क्यों छुपा रहे दुनिया से? आप अपने प्राइम मिनिस्टर को बिठाइए, पूछिए, उसका नार्को टेस्ट कराइए, उस समय के DGISPR का नार्को टेस्ट कराइए, पता चलेगा आपको। लाई डिटेक्टर करा लीजिए, नार्को टेस्ट नहीं करा सकते तो? सच भाई सच सामने दिखता है, मतलब ठीक है एनीवेज आप अपने झूठ बोल रहे हैं, अनसब्सटेंशिएटेड फैक्ट्स जो आप डिस्कशंस में बोलते हैं ना वो बोलते रहिए, आपके प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही बोलते हैं। और 11 मार्च 2020 F-16 क्रैश हुआ था आपका, और ये क्रैश हुआ था जब आपका नेशनल डे परेड की रिहर्सल। ये क्या बता रहे हैं कि अगर CSD का हो गया तो कोई बात नहीं है, प्लेन क्रैश हो अमेरिका के भी हो जाते हैं, यूके के भी हो जाते हैं, प्लेन क्रैश होने को बहुत बड़ी बात है। हो रहा है हमारे प्लेन क्रैश को नहीं, हम तो इंडिया के प्लेन क्रैश को क्यों मेंशन कर दिया था, वहां भी यही बोलना था ना, वहां तो आप चीख चीख के इसे बोलते हैं चाइना ने करवाया। अरे यार आपका प्रेसिडेंट प्लेन क्रैश में मर गया, वो बोल देते कि गाड़ी से चला जा, बैलगाड़ी से चला जा, नहीं मरता आप तो हमारा भी यार मर गया, तो आपका प्लेन क्रैश होता आपका प्रेसिडेंट मर जाता है, हमारा तो यार डिफेंस चीफ भी था, आपका आपका प्रेसिडेंट मर जाए, आपने खुद मारा होगा, आप तो वैसे ही मारते, तो बेनजीर भुट्टो को भी मार दिया आपने।